आज हम जा रहे हैं मसूरी घूमने के लिए। तो आज मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि प्यांशु बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो इसलिए गाइस आज मैं पहली बार व्लॉग कर रही हूँ। अब देखना आगे की मैं आपको रील दिखाती रहूँगी, रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। बाय, जा रहे हैं। बाय बेटा, ओके। पहली बार जा रहे हैं हम अकेले बच्चों को छोड़कर। ये वाली बस है गाइस। वैसे भैया मुझे ना व्लॉग नहीं करने दे रहा है बिल्कुल भी, और कह रहा है जल्दी जल्दी आओ, बस निकल जाएगी बिल्कुल, तो इसलिए अभी चलते हैं आगे का दिखा देंगे। अब हम रुके हैं ढाबे पर, गाड़ी अभी आप रात के 2 बज रहे हैं। टाइम दिखाना, टाइम दिखाना, टाइम कितना हुआ है? रात के 2:15 बज रहे हैं। 2:15 बजे हमारी बस रुकी है। अब हम बस अब रुकी है ढाबे पर, तो हमने खाना खाया है गाइस। अब देखो अब चलते हैं, अब देखो कितने बजे सुबह पहुँचेंगे। हेलो गाइस, कैंप की फोटो आने से पहले हमने पहले ये झरना देखा, दिखाओ ये वाला झरना। देखो गाइस, यहाँ हम आ चुके हैं, ये एक बीच में कितना खूबसूरत झरना पड़ा है, आप भी देखिए। हमने सोचा यहाँ पर भी थोड़ी सी सेल्फी ले लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और इसके बाद मम्मी डैडी चले जाते हैं कैंप्टी फॉल के मजे लेने। यहाँ पर गाइस शोर बहुत ज़्यादा था और इनका फ़ोन भी एंड्रॉयड है ऊपर से, तो इस वजह से गाइस इनकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इनकी वॉइस को वॉइस ओवर करके डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि व्लॉग अच्छे से बना ले, इन्होंने अपना 100% दिया है, बट गाइस वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है और वॉइस का इशू था, इस वजह से मैं अपना वॉइस ओवर कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा करके आपको इनकी व्लॉगिंग दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, ये देखो गाइस थोड़ा सा पानी खालो के अंदर से भी हरियाली कुछ गाइस। अभी हम आ चुके हैं सर धारा, ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा पानी कैसे चल रहा है? नहीं गर्म है, धारा पे नहाने के लिए अच्छा है, बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या लॉक में डालोगी? अभी तीनों लॉक में डालो निकाल लेंगे, जा रहा हूँ ले लेंगे एक दो। जैसे यहाँ उसको देखते हुए यहाँ इतना गंदा पानी नहीं हो रहा था। क्या खाओगे? डोसा, आलू के पराठे। तो सब चीजें खाओगे क्या? एक चीज बता। थोड़ी 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 भटूरे हो गए, इतना अच्छा लगता है, सब चीज खा जाओगे एक साथ। गाइस ये हमने मंगाए इनसे छोले भटूरे, छोले भटूरे में ऑयल देखो कितना है, कितना ज्यादा ऑयल है इसमें, खाए भी नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। देखो ये छोले भटूरे इनके, बाहर ना खाना बस ऐसा ही मिलता है, बस पेट भरने के लिए खाना पड़ता है, बाकी घर जैसा खाना तो खैर मिल ही नहीं सकता, आपको पता ही है। गाइस रात को ना मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं मंसूरी से तो हम आ गए थे नीचे, देहरादून आ गए हैं इस टाइम हम, और फिर यहाँ आकर हमने होटल बुक किया, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी तो मैंने व्लॉग नहीं किया। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये होटल का व्यू, देखिए ये देखिए गाइस ये कितना सुंदर पेड़ है यहाँ पर, और ये यहाँ का खिड़की से ही व्यूज दिख नजर आ रहा है, ये यहाँ से पूरा देहरादून नजर आ रहा है। इसके डैडी कह रहे हैं हाँ। गाइस ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर, कितने बड़े बड़े आम का पेड़ है, कितने बड़े बड़े आम आ रहे हैं इसमें, ये है कि हम तोड़ नहीं पा रहे, बहुत दूर है हमसे। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं गुपचुप गुफा में, देखो यहाँ पर एक गुफा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और गाइस गर्मी बहुत है यहाँ पर, बहुत तेज़ धूप है,
बहुत गर्मी लग रही है, अभी देखते हैं पानी में जाकर थोड़ी राहत मिलती है। तो गाइस अब निकलते हैं होटल से, यहाँ से निकल रहे हैं और अब जाएंगे सुबह 9 कितने बज गए, 9 बज चुके हैं। अब हम नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम गुपचुप पानी और सत्संग धारा, फिर वहाँ से देखते हैं कितना टाइम होगा, शायद शाम ही हो जाएगी। उसके बाद हम घर तो खैर शायद हाँ आधी रात ही जाएगी, फिर उसके बाद घर निकलेंगे, फिर आपसे मिलते हैं घर पर। लेकिन अभी गाइस अभी हम मिलेंगे वहाँ पर सत्संग धारा। ओके गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस हम लोग आधी गुफा में से ही वापस आ रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ है, अंदर जाने का रास्ता ही नहीं था, बिल्कुल भी रास्ता छोटा हो चुका और भीड़ कम ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए हम लोग गाइस हम लोग आ गए। रास्ता देखो कितनी चढ़ाई है यहाँ पर, वैष्णो देवी वाली चढ़ाई है यहाँ। इसके डैडी जयकारा लगा रहे थे, प्रियांशु के डैडी, जय माता दी, क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा सांस फूल गया मेरा, आप देख ही सकते हैं आगे का किसी को बैक कर देती है। बहुत गर्मी लग रही थी तो हमने सोचा थोड़ा सा आइसक्रीम खा लें, थोड़ा मन ठंडा हो जाएगा ना, उससे थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये तो खा नहीं रहे आइसक्रीम क्योंकि इनको पसंद नहीं है आइसक्रीम। आप क्या ले रहे हैं? नींबू लेमन, वो पियेंगे ये उससे ठंडे हो जाएंगे, मैं आइसक्रीम खा कर ठंडी। हाय गाइस, ये था गाइस मम्मी डैडी का जैसा भी मतलब इन लोगों से व्लॉग, इन्होंने पूरा ट्राई किया, मतलब व्लॉग ठीक भी बनाया होगा लेकिन गाइस चक्कर यही पड़ा, एडिटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आई। जिस ऐप से मैं एडिटिंग करता हूँ या जिस सॉफ्टवेयर से मैं एडिटिंग करता हूँ, तो गाइस वहाँ पर वॉइस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, बाहर की नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी और इस वजह से ना गाइस इनका व्लॉग मतलब ठीक से नहीं बना। लेकिन मेरे को ये था कि इन्होंने जाकर बनाया है, थोड़े एफर्ट लगाए हैं, तो यार चलो थोड़ा बहुत इनका व्लॉग मैंने बहुत मतलब तिगड़म करके एडिट करके डाल ही दिया। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।